फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त एनके प्रजापति। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेट्यूस न्यूट्रंट्स के बारे में। लेट्यूस का जो हाइड्रोपोनिक न्यूट्रंट सॉल्यूशन है वो हम कैसे बनाएं, ठीक है। लार्ज स्केल पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो फॉर्मूला आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहें। आज हम एक स्टॉक सॉल्यूशन बना रहे हैं, जो हमारा टैंक ए और टैंक बी होगा, यानी कि स्टॉक सॉल्यूशन या एक गैलन गैलन सॉल्यूशन स्टॉक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, उसको हम 100 गैलन पानी में यूज़ कर सकते हैं। एक गैलन का मतलब होता है हमारा अराउंड 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर सॉल्यूशन हम बनाएंगे और हम उसको यूज़ करेंगे 500 लीटर पानी में। जो हम स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे उसको टैंक ए और टैंक बी, यानी कि दो जगह करके बनाएंगे। दो बोतल में हमने एक को नाम दे दिया टैंक ए, दूसरे को नाम दे दिया हमने टैंक बी, ठीक है। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, हम एक फॉर्मूले के अंडर बनाते हैं, एक प्लांट के अकॉर्डिंग। हर प्लांट का एक फॉर्मूला सेट होता है न्यूट्रेंट का, और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है अगर प्लांट में कोई डेफिशिएंसी आती है। तो टैंक ए में हम सबसे पहले यूज़ करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट, 184.0 ग्राम आता है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम लेते हैं 14.4 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तीसरे नंबर पर लेते हैं हम 167.3 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये हम लेते हैं। अभी देखिए, नाइट्रेट वाले कंटेंट हमने एक ही जगह ही लिए हैं। जब हमारा प्लांट नाइट्रोजन लेता है, वो नाइट्रेट कंटेंट में ही नाइट्रोजन लेता है, ठीक है। और जो हमने यूज़ किया इसमें कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमने इसमें यूज़ किया है। जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट है वो प्लांट को ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नाइट्रोजन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जो कैल्शियम है वो उसमें भी हमारी नाइट्रोजन होती है, जो फॉस्फोरस है उसमें भी हमारी नाइट्रोजन होती है, प्लस हमने इसमें अमोनियम नाइट्रेट और ऐड कर दिया है। अब नाइट्रोजन हमारा हो गया, ये पूरा नाइट्रोजन का हो गया। अब जब फोर्थ कंटेंट आता है हमारा, एक माइक्रो न्यूट्रेंट होता है, अगर उसको हम अदर न्यूट्रेंट के साथ रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट जब स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें वो काफ़ी प्रॉब्लम करता है हमारा आयरन। तो इसलिए हम आयरन को टैंक ए में रखेंगे, और ये हमारा आता है 3.8 ग्राम 10% आयरन आता है हमारा चिलेटेड, ठीक है, चिलेटेड आयरन यूज़ करेंगे। अगर हम इसको टैंक बी में रखेंगे तो ये दूसरे न्यूट्रंट से रिएक्शन करके दूसरा कंटेंट बन जाएगा, और जो प्लांट जिसको आसानी से इंटेक नहीं कर पाएगा, और प्लांट में आयरन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, इसलिए हम इसको नाइट्रेट के साथ रखते हैं आयरन, ठीक है। अब आता है हमारा बी टैंक। बी टैंक में हम रखेंगे सबसे पहले 51.5 ग्राम मोनोपोटेशियम फॉस्फेट,
ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमारा 93.1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। तीसरे नंबर पर आता है हमारा 0.290 ग्राम मैग्नीज सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम हमारा अलग होता है और मैग्नीज हमारा अलग होता है। मैग्नीज माइक्रोन्यूट्रेंट होता है और जो मैग्नीशियम है ये हमारा सेकेंडरी आपका प्राइमरी न्यूट्रन सेकेंडरी न्यूट्रन में आता है। ठीक है, अब आता है हमारा 0.352 ग्राम बोरिक एसिड। ठीक है, अगले नंबर पर आता है हमारा 0.023 ग्राम सोडियम मोलिब्डेट। नेक्स्ट आता है हमारा 0.217 ग्राम जिंक सल्फेट। लास्ट नंबर पर आता है हमारा 0.35 ग्राम कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट भी आ गए। अब इसमें जो या तो हम ऐसा करते हैं कि माइक्रोन्यूट्रेंट जो अलग मिक्स आते हैं वो मिक्स कर लेते हैं, या फिर हम अलग अलग न्यूट्रन लेके मिक्स कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर प्लांट में हमारी जिंक की डेफिशिएंसी आ रही तो जिंक हम उसमें और मिक्स कर सकते हैं, या फिर आपका फ्लावरिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो बोरिक उसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। जो ये फॉर्मूला है इसमें हम प्लांट की जो डेफिशिएंसी कुछ प्लांट में आ जाती है उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो ये सॉल्यूशन हमारा ये बन गया हमारा 1 गैलन, ये हमारा स्टॉक सॉल्यूशन हमारा ये रेडी हो गया। हम इसको यूज़ करेंगे 100 गैलन वाटर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये केवल हमारा लेटस प्लांट के लिए न्यूट्रेंट फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं और बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, जो रिज़ल्ट आएगा वो काफ़ी बेहतरीन काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय।